ताइक्वांडो जो स्पोर्ट है, इसमें अगर मार्शल आर्ट में देखा जाए तो ताइक्वांडो मार्शल के साथ साथ एक ओलंपिक स्पोर्ट है जो पूरे दुनिया में खेला जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ताइक्वांडो के दो कॉम्पिटिटिव उसके इवेंट्स हैं हमारे, इसमें एक क्योरगी और एक पुमसे। क्योरगी जो है ये मैन टू मैन कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, इसमें हम दो प्लेयर आपस में कम्पीट करते हैं। ये ओलंपिक्स में, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स सब में खेला जाता है। और जो पुमसे एशियन गेम्स, आप गेम्स इन सब में खेला जाता है। और पुमसे एक पैटर्न है, एक टेक्निक्स है, जो मार्शल आर्ट जितना भी मार्शल आर्ट है वो एक टेक्निक्स पे आधारित होता है कि जो जितनी भी टेक्निक्स होती हैं उसको मिला उसमें जो अलग अलग टेक्निक्स होती हैं उसका एक कॉम्बिनेशन के साथ हम लोग परफॉर्म करना है करते हैं उसको पुमसे बोला जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि पुमसे सबसे पहले जो क्लास है उसमें आपको पुमसे के बारे में बताऊंगा कि पुमसे के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है, हमें मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअल कैसे अपने आप को प्रिपेयर करना है जो पुमसे ट्रेनिंग के लिए। पुमसे ट्रेनिंग के लिए आपको बहुत सारे जो बेसिक जो टेक्निक्स हैं, बेसिक मूवमेंट्स हैं वो मैं आपको बताने जाऊंगा। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग वार्म अप करेंगे कि कैसे उसके लिए। सबसे पहले जब भी हम क्लास करते हैं तो ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें अपनी जो मसल्स हैं उसको मोबिलाइज करना है। एक उसके लिए माइंड स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ आप तभी देखिए। सबसे पहले ताइक्वांडो में जो ग्रीटिंग्स हैं, जो बो करना, जो बहुत एक मार्शल आर्ट में, क्योंकि मार्शल आर्ट में डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है और प्लेयर्स को सिखाया जाता है कि कैसे रिस्पेक्ट देना है। तो रिस्पेक्ट के लिए सबसे पहले जो ग्रीटिंग्स हैं जो हम अपने मास्टर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने प्लेयर्स को देते हैं करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले इस पोजीशन को बोला जाता है। सीधे आपने खड़े रहना है, अटेंशन पोजीशन में, चरियात, दोनों हाथ आपके साइड में, ख्योंने बो। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें चुंबी, रेडी, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। इस स्टांस को नरानी सोगी बोला जाता है। और अब थोड़ा वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, माइंड स्ट्रेचिंग। वन टू से नहीं 10, यस इल्व योर ना, दो से नहीं 10, यस इल्व योर ना, दो से नहीं 10, यस इल्व योर अदर साइड ना, दो से नहीं 10, यस इल्व योर वन ना, दो से नहीं 10, यस इल्व योर डाउन ना, दो से नहीं दस इल्व योर आम बैक स्ट्रेच हना, दो से ने 10, यस इल्व योर आम रोटेशन ना, दो से ने 10, यस इल्व योर रिवर्स ना, दो से ने 10, यस इल्व योर हैंड्स ऑन शोल्डर रोटेशन ना, दो से ने 10, यस इल्व योर रिवर्स ना, दो से ने 10, यस इल्व योर लुक अप ना, दो से ने 10, यस इल्व योर डाउनवर्ड ना, दो से ने 10, यस इल्व योर एंड लेफ्ट साइड ना, दो से ने 10, यस इल्व योर टू साइड ना, दो से ने 10, यस इल्व योर स्लोली रोटेशन ना, दो से ने 10, यस इल्व योर अदर साइड ना, दो से ने 10, यस इल्व योर ओके राइट आर्म अप, बेंड योर लेफ्ट साइड विदाउट बेंडिंग योर एल्बो ना, दो से ने 10, यस इल्व योर अदर साइड ना, दो से ने 10, यस इल्व योर ओके
फ्रंट रोटेशन सॉरी ना दो से ने दस यस एलगो योर अद साइड ना दो से ने दस यस एलगो योर ओके नेक्स्ट पेल्विक स्ट्रेच ना दो से ने दस यस एलगो योर ओके बोथ आर्म्स ऑन नी बेंड योर लेफ्ट साइड ना दो से ने दस यस एल्गो योर अदर साइड ना द से ए अदर यस एल्गो योर ओके होल्ड योर बोथ एंकल्स ना द से ने दस यस एल्गो योर नाउ लेग्स अपार्ट बोथ लेग्स स्ट्रेट होल्ड योर लेफ्ट टो ना द से ने दस यस एल्बो योर अदर साइड ना द से ने दस यस एल्बो योर ओके अल्टरनेट टो टच ना द से ने दस यस एल्बो योर ओके नेक्स्ट अडॉप्टर स्ट्रेच ना द से ने दस यस एल्बो योर अदर साइड ना द से ने दस यस एल्बो योर फ्रंट लैंग्वेज ना दो यस एल्बो योर अदर साइड ना दो से ने दस यस एल्बो योर लेग्स टुगेदर ना दो से ने दस यस एल्बो योर ना दो दस यस एल्बो योर Ready for jumping jack? Okay. 1, 2, 3. ये हमारी माइल्ड स्ट्रेचिंग और हमने कर ली. इसके बाद जो हमारी ट्रेनिंग है, जैसे मैंने आपको पहले बताया क्योर्गी और पुम से, तो जो ये इंटरनल एक्सरसाइज हमने की अभी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज माइल्ड स्ट्रेचिंग बिफोर वार्मिंग अप स्पेसिव वार्मिंग अप हम लोग अपनी बॉडी को मसल को मोबिलाइज करते हैं और उनको प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट वर्कआउट के लिए. तो अभी जैसे हम लोग आज मैं आपको पुमसे की क्लास बताऊंगा, तो पुमसे की क्लास के लिए जो स्पेसिफिक वार्म अप होगा, इसके बाद आप जनरल कभी भी आप रनिंग करने आप वार्म अप कभी भी आपको जब रनिंग करनी है, आप अपनी सेल्फ ट्रेनिंग करते हैं जैसे रनिंग या कोई भी वर्कआउट करते हैं, तो उससे पहले हमेशा आपको माइल्ड स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है. और उसके लिए आप बेसिक एक्सरसाइजेज आप जैसे मैंने आपको बताई सिंपल एक्सरसाइज वो आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप जो भी आपको वर्कआउट करना है आप कर सकते हैं. तो अब मैं आपको पुमसे के कुछ स्पेसिफिक वार्म अप बताऊँगा कि जिसको हम अपनी पुमसे ट्रेनिंग के लिए अपने आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेंगे. सबसे पहले पुशअप पोजीशन 10 पुशअप्स ओके नेक्स्ट लेग्स अपार्ट सिट एंड फॉरवर्ड बैक Forward, back. कोई भी हम एक्सरसाइज जब करते हैं, जो मैं बताऊंगा आपको कि हमने जैसे पुशअप्स किए इन द बिगनिंग, हम लोग इसकी जो नंबर्स हैं उसको कम ही रखेंगे, और जैसे जैसे उसकी रेपिटेशंस मैं आपको बताऊंगा एट द एंड कि रेपिटेशंस उसकी कैसे करनी है, क्योंकि हम ये अभी जस्ट पैसिव वार्म अप कर रहे हैं पुमसे के लिए, तो इसमें हम लोगों को जो पुमसे का इवेंट है उसके हिसाब से हमें करना है. तो अब मैं आपको कुछ सबसे पहले जो पोजीशंस बताऊंगा और उसी पोजीशंस में हम लोग स्पेसिफिक वार्म अप करेंगे. तो सबसे पहले छरियात जुमे जिचुमसोगी, दिस इज हॉर्स राइडिंग स्टांस पंचिंग पोजीशन. दोनों आपकी टो सामने की तरफ
स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, बोथ लेग्स फ्लैट, और जो एल्बोज हैं आपकी बिल्कुल स्ट्रेट पीछे की तरफ। जो आपकी बेल्ट है, जो आपकी कमर है, कमर के ऊपर आपने दोनों हाथों को रखना है प्रिपरेशन। यस, दिस इज कॉल्ड चिचुम्सोगी। ओके, नेक्स्ट अपसोगी, वॉकिंग स्टांस। वॉकिंग स्टांस सिंपल, दोनों पांव आगे एक साथ और एक पांव का गैप, वन फुट गैप बिटवीन टू फीट। ओके, स्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड अपसोगी। नाउ नेक्स्ट अपकुबी, राइट लेग बैक, बैक फुट 30 डिग्री बाहर की तरफ, स्ट्रेट, फ्रंट लेग बेंड, डाउन, बॉडी बेंड, इट्स कॉल्ड अपकुबी, फॉरवर्ड स्टांस। ओके, नेक्स्ट द्वितकुबी, दोनों पांव एक साथ, 90 डिग्री टर्न, राइट फुट, देन वन फुट गैप बिटवीन टू फुट, वन और वन एंड हाफ, द्वितकुबी। नेक्स्ट भुंसोगी, टाइगर स्टांस, टू के बिल्कुल साथ आपकी हील, फुट पोजीशन, टो पोजीशन स्ट्रेट, 90% वेट बैक लेग पे और 10% फ्रंट, टो पे आपने टच करना है। ओके, तो ये आपके बेसिक स्टांस थे। अब हम इन्हीं स्टांस में हम लोग कुछ स्पेसिफिक वार्म अप करेंगे। तो सबसे पहले चिचुम्सोगी में, चुनसोगी में आपने बेंड रहना है, चुनसोगी हॉर्स राइडिंग स्टांस विद काउंट, वन टू फॉरवर्ड बैक, वन पे फॉरवर्ड टू पे बैक, वन टू, वन टू, वन टू, अप साइड, वन टू, वन two, one, two, one, two. Okay. इसमें आपको repetitions, जैसे आपने 10 times forward, 10 times back, side वर्ड सेम, 10 times, 10 times, इसके तीन सेट करने आपको, then after, अपसोगी stance, walking stance, वॉकिंग स्टांस में आपको सिंपली वॉक करके आगे जाना है, वन टू, देन बैक, वन टू, वन टू, वन टू। ओके, सेम फॉरवर्ड एंड बैक अपकुबी स्टांस में, अपकुबी फॉरवर्ड स्टांस, 70% वेट बैक लेग पे, सॉरी 70% फ्रंट लेग, 30% बैक लेग, फॉरवर्ड वन, बैक टू, वन टू, वन टू, साइड चेंज, वन टू, वन two, one, two. इस स्टांस में कुबी में आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी बॉडी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, सेम लाइन पर रहनी चाहिए, जैसे सबसे ज़रूरी है, जैसे आपको बताया, ये जब हम आगे जाएंगे, आगे जाना है हमें, तो ये लॉक टांग बैंड ही रहेगी, स्लो मोड में बताऊंगा, स्ट्रेट आगे लैंडिंग के साथ ही बैक लेग स्ट्रेट, और जब हमें पीछे जाना है तो पूरा वेट शिफ्ट करना है बैक लेग की ओर,
यस ओके नाउ द्वितगुवी इसके भी हमें तीन सेट करने हैं, तीन बार हमें आगे जाना है, सॉरी 10 times आगे 10 times पीछे, तीन सेट। अब इसके बाद द्वितगुवी स्टार्ट, सेम टो पे टर्न करना है आपको, जब कोई भी मूवमेंट होगी आपकी टो पे होगी। 1 2 1 2 1 2 ओके बोथ साइड। इसके बाद इसके भी आपको तीन सेट करने हैं, 10 times फॉरवर्ड 10 times बैक। देन इसके बाद साइड मूवमेंट, थोड़ा इसको कॉम्बिनेशन स्टेप के जो कॉम्बिनेशन कर रहे हैं हमें, सबसे पहले जिस को भी और सॉरी आपको भी मैं ओके 1 देन लेफ्ट टर्न राइट बैक राइट टर्न 1 राइट टर्न इस स्टांस के बाद हम मैं आपको बताऊंगा टर्निंग। टर्निंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा पुंसे में, कि हमें जब एक डायरेक्शन में जाना है उसके बाद दूसरी डायरेक्शन पे जाने के लिए जब हमारी टर्निंग बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि टर्निंग है। टर्निंग में हम लोगों को सबसे ज़रूरी बात कि आपको हमेशा टो पे ही टर्न करना है, कभी हील को यूज़ नहीं करना है। और टर्निंग के लिए आपका सिंपल दियोद्रा अपल दियोद्रा जैसे आप खूबी स्टांस में हैं तो आपको दियोद्रा करना है, तो आपको सिंपली टर्निंग दें स्लोली ओके तो ये आपकी सिंपल टर्निंग है अपल दियोद्रा। फ्रंट लेग को जब आपने उठा के टर्न करना है उसमें ध्यान रखना है आपको कि जो वेट है, जो सेंट आपका वेट है उसको शिफ्ट करना है, जो आपकी सीजी है सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी जो लाइन है बॉडी लाइन वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, आपकी बॉडी आपके स्टैंस के साथ मूव करेगी। जैसे आपको फ्रंट लेग से टर्न करना है बैक साइड, तो सबसे पहले शिफ्ट करना है वेट को स्लोली देन ये है दियोद्रा। ये आपके कुछ बेसिक स्टांस हैं जो मैंने आपको बताया, जो की पॉइंट है की पॉइंट यही है रहेगा आपका कि आपको जब बीच में टर्निंग करनी है उसको टो पे करनी है। और स्टांस जो है उनसे में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और जितनी बार हम लोग अगर हमारी टर्निंग हील पे होती है तो हमारे उतने ही पॉइंट्स डिडक्ट होते हैं, तो हमें उस चीज़ को सेव करना है। और इसी की जो रेपिटेशन जितने भी अब मैंने आपको बताई जो स्टैंड्स हैं, जब हम बिगनिंग में जब हम कोई बच्चा जो बिगनर है उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि उसको उस स्टैंड्स के लिए हेल्पफुल होना पड़ता है, उस स्टैंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा देर उसको खड़ा रहना है ताकि उसको उस स्टैंड्स में रहने की एक आदत पड़ जाए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल चुनसोगी में है तो आप बिगनिंग में जो चुनसोगी में आप खड़े रहिए 1 minute, देन आपको 1 minute तक अगर आपकी पड़ी है तो धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसको बढ़ाइए आप 2 minute, देन उसको जो आपको मैंने बिगनिंग में बताई एक्सरसाइज उसके ऊपर जाइए। और उसके बाद सेम आप सोगी में भी आप खुद चेक कर सकते हैं आपकी जो लाइन है बॉडी लाइन दोनों पैरों में आपका मैक्सिमम 1 feet गैप होना चाहिए, 1 feet से ज़्यादा नहीं। तो ये आपको वॉकिंग स्टांस में खड़े रहिए स्लो करिए, और आपको भी में भी आपको ऐसे ही पोजीशन में रहना है, आप 1 minute तक यहीं पर इसी स्टांस में रहिए और उसके बाद स्लोली स्लोली उसकी बढ़ाइए। और देन जब आप
इसमें इजीली कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं, तो तब आपको आगे फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करनी है। तो सेम सभी स्टूडेंट्स में, कुबी में भी सेम, भूमसुगी में भी सेम, आपको वैसे ही ट्रेनिंग करनी है। ओके, जो आपको अभी मैंने स्टांस बताया है, उसके बाद मैं आपको कुछ बेसिक हैंड टेक्निक्स जो घूमसे में यूज़ की जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पंच से। तो जो पंच है, पंच करने के लिए आपको सबसे पहले एक चीज़ बताऊंगा, हाउ टू प्रिपेयर फॉर अ पंच। तो जो आपका हाथ है उसको आपको क्लिंच करना है, जो फिंगर्स है इसको लॉक, या आपकी फिस्ट चुमाओ, तो ये आपकी का पंच बन जाएगा। तो पंच में आपको हमेशा, चाहे वो कोई भी मार्शल आर्ट हो जैसे बॉक्सिंग हो, तो उसमें आपके ये दो नक्कल्स जो हैं आपको कंसंट्रेट करना है, दो पंच नक्कल्स को। यही नक्कल्स आपका जो हिटिंग पार्ट है, जो आपको हिट करना है जिस पार्ट से, वो आपके ये दो नक्कल्स हैं। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो हिटिंग पॉइंट्स हैं हमारे, उसमें हमारा ममता मिडल, ये सोलर प्लेक्सस, ये हमारा हिटिंग पॉइंट है। और उसके बाद चुगम, नोज के नीचे, ये हमारा हिटिंग पॉइंट फेस का अरे, जो आपकी नाभि है उसके बिल्कुल लोअर ब्लैडर, ये आपका पार्ट अरे, लोअर पंच यहाँ हिट करना है। तो जब भी आप पंच करेंगे तो आपको जो तीन चीज, मतलब इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि आपको मिडल पंच करना है तो आपका एग्जैक्टली किस टारगेट पे होना चाहिए, उसकी आपको ट्रेनिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा मिडल पंच करने के लिए, तो चुचुमसुगी में आपको खड़े रहना है, चुचुमसुगी में। नाउ मिडल पंच, मिडल पंच कैसे करना है आपको, सबसे पहले आपकी दोनों एल्बो पीछे की तरफ, साइड पे नहीं रहेगी, पीछे की तरफ। ओके, देन जब भी आपको पंच स्टार्ट करना है तो आपको लेफ्ट हैंड से पेन ड्राइव। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जैसे हमने पंच किया, अब नेक्स्ट पंच जब हमें करना है तो स्लोली दोनों की क्रॉसिंग, और ये एल्बो स्ट्रेट रहेगी आपकी, जब ये पंच वापस आएगा तो एल्बो आपकी बॉडी के साथ साथ है। और जब भी आपका पंच टारगेट पे हिट करेगा तो सेम टाइम सिमल्टेनियसली आपका जो दूसरा हाथ है वो आपकी कमर पे रहेगा। तो आपको बॉडी को यूज करना है, शोल्डर रिलैक्स, बॉडी रिलैक्स, देन पंच, स्लो 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 प्रैक्टिस। Fast. Middle punch. Same. Slow upper punch. Fast. लोअर पंच, फास्ट, तो इसका जो, जब हम पंच करते हैं इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। ट्विस्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक फॉर एग्जांपल एक बुलेट है, तो बुलेट जब स्ट्राइक करती है तो रोटेट, ये फोर्स जनरेट करती है। तो सेम हमारे जो मूवमेंट है, चाहे कोई भी मूवमेंट हो हमारी, जब भी हम हिट करते हैं, चाहे वो किक हो या पंच हो, ब्लॉक्स हो, तो उसमें हमें अपनी जो ट्विस्टिंग है, जो रिस्ट, इसको ट्विस्ट करना है। ट्विस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फोर्स जनरेट करती है,
ये सबसे पहले की पॉइंट है। और सेकंड जो आपको अपने दोनों आर्म्स को यूज़ करना है फोर्स जनरेट करने के लिए, तो जो फोर्स है आपका जो स्टांस है स्टांस स्टेबल रहेगा, और आपको इस पार्ट को यूज़ करना है हिप को, फोर्स जनरेट करनी है जो आपकी फुट से फोर्स जनरेट होगी और आपकी जो बॉडी बिल्कुल रिलैक्स होगी, तो आपका जो स्ट्राइकिंग पार्ट है जिसको हम स्ट्राइक कर रहे हैं, तो लास्ट आपका जो फिस्ट पंच, ये पंच में आपको बॉडी बिल्कुल रिलैक्स रखनी है, और एट द लास्ट मोमेंट आपको फोर्स को इम्प्लीमेंट करना है लास्ट में प्रेशर। और स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीड इज इक्वल टू पावर। जब हमारी स्पीड होगी हमारी बॉडी रिलैक्स और लास्ट बॉडी हमारी रिलैक्स रहेगी, जब हम अपनी स्पीड जनरेट करेंगे तो लास्ट जो हिटिंग पॉइंट है वो उस पर काफ़ी इम्पैक्ट होगा। तो इसके लिए ट्विस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें लास्ट मोमेंट पे ट्विस्ट करना है। तो सेम हम पंचेस के लिए मैंने आपको अभी, क्योंकि आपको बहुत कुछ अभी बताना है तो मैं कुछ मतलब एक रेपिटेशंस कम रखूँगा। आप लोग इसके सेट्स कर सकते हैं, जैसे स्लो पंच आपने किया उसको आप 10 times राइट 10 लेफ्ट हैंड सेम अपर मिडल तीनों स्लो मूवमेंट में करो पहले आप, जब तक आपका परफेक्शन नहीं आ जाती, उसके बाद आप स्पीड और धीरे धीरे स्पीड को जनरेट करिए। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितनी ज़्यादा आपकी रेपिटेशंस होंगी, और आप इसमें अलग अलग मेथड हैं, जैसे हम लोग पहले स्लो पंच स्पीड में 10 times 10 times देन डबल पंच, और डबल पंच के लिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे डबल पंच 2 times फिर साइड चेंज करके सेम आपको मिडल अपर लोअर 2 times दोनों पंच में आपका एक रिदम रहना चाहिए कि आपको फ्लो में पंच करना है, उसमें गैप नहीं देना है। और आपका दोनों जब भी आप दो पंच कर रहे हैं तो आपकी पंच जो है पूरा आपको पंच रिलीज करना है और वो आपकी स्ट्रेट रहेगी। सेम इसके बाद 3 punch के लिए फोर 5 ओके, तो ऐसे ही आप 5, 6, 10, 20, 50, 100 तो जितने ज़्यादा आप पंचिंग करेंगे आपकी बॉडी उतनी रिलैक्स होती जाएगी। तो ये हमारे पंच थे जो बेसिक हमें रिक्वायरमेंट है घूमसे के लिए। इसके बाद मैं आपको ब्लॉक्स, क्योंकि हमें ब्लॉक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्लॉक्स के लिए आप लोगों को एक चीज़, जैसे मिडल पंच है तो मिडल पंच के लिए मिडल ब्लॉक, अपर पंच है तो अपर पंच के लिए अपर ब्लॉक, लोअर पंच है तो लोअर पंच के लिए लोअर ब्लॉक। तो इसके कुछ मैं आपको बेसिक ब्लॉक्स बताऊंगा। सबसे पहले तो आप चुचुमसोगी में आ जाइए, सबसे पहले आपको चुचुमसोगी में खड़े रहना है, देन मिडल ब्लॉक शोल्डर से नीचे, और ब्लॉक में जैसे मैंने आपको पहले बताया ट्विस्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम ब्लॉक करने लगे हैं तो आपका ये जो अदर हैंड है ये रिलैक्स रहेगा प्रिपरेशन, क्योंकि आपको दोनों आर्म्स को यूज़ करना है, तो जो आपका ब्लॉक वाला हाथ है ब्लॉकिंग हैंड वो आपका ईयर के पास, और स्लोली ये ट्विस्टिंग दोनों हाथों की ट्विस्टिंग हो रही है एक साथ से फास्ट, मिडल ब्लॉक, इसके बाद अपर ब्लॉक आपके सर और हाथ के बीच में 1 fist गैप, लाइन स्ट्रेट लाइन एंड ऑफ हेड स्लो, जो हाथ ऊपर की तरफ जाएगा जब ब्लॉक कर रहे हैं हम, तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है
वो सोलो प्लेक्सिस के पास है, वो टर्न है, इसको यूज करना है हल्का सा टर्न, हल्का सा ट्विस्टिंग, उधर हैंड रिलैक्स फास्ट, लोअर ब्लॉक दूसरा शोल्डर के पास प्रिपरेशन, देन एग्जीक्यूशन, प्रिपरेशन एग्जीक्यूशन, प्रिपरेशन एग्जीक्यूशन, लास्ट ओके करो। ये हमारी कुछ बेसिक ब्लॉक्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं, और उम्मीद करता हूँ कि क्योंकि अभी जो बिगिनिंग है इस सेशन की, तो मैं जितना अपना जो अभी आपको मोस्टली जो कंसंट्रेट कर रहा हूँ वो बेसिक्स पे कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप बेसिक्स को ही इम्प्रूव करेंगे अपने, कि आने वाले टाइम पे दोबारा जब आपके क्लासेस होंगी तो उसमें आप इन सब ब्लॉक्स को की ट्रेनिंग करके आएंगे, और एडवांस जो इतना भी होगा उसकी आप ट्रेनिंग करेंगे। अब इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कुछ कंपटीशन की रिक्वायरमेंट पूंछे गई है। तो सबसे पहले जब हम पूंछे एक इवेंट करते हैं तो हमारे टोटल 16 उनसे हैं जो टेगुक हैं, जो कलर बेल्ट के लिए करवाए जाते हैं, येलो ग्रीन ग्रीन वन, ब्लू ब्लू वन, रेड रेड वन, तो ब्लैक जो फर्स्ट डान जिसके हम बोलते हैं, तो ब्लैक बेल्ट के लिए हमें 8 टोटल टेगुक करने होते हैं, टेगुक 8, और उसके बाद हमारे अलग अलग जो एडवांस उनसे हैं जो सेकेंड डान थर्ड डान फोर्थ डान के लिए, जिसमें कोरियो ख्युंगांग तेबे प्योंगवान शिवजी जीते चंगवान हंसु, तो ये सब उनसे आपको हाई लेवल डान के लिए करने पड़ते हैं। तो कंपटीशन में पुंसे होते हैं, उसमें आपका कॉम्पिटिशन्स के लिए अलग अलग जो क्राइटेरिया होता है पुंसे का, तो जो जिसमें हमारा अभी तक जैसे जूनियर्स कैडेट से शुरू होता है, तो कैडेट में अब फोर जान से शुरू होता है कंपटीशन। बट हमें एक चीज़ मैं बताऊंगा कि पुंसे जब हम स्टार्ट करते हैं, हर एक पुंसे का अपना एक वैल्यू है उसकी, तो जब भी हम पुंसे करते हैं हर टेगुक वन जान से लेके, कि जब तक हमारा टेगुक वन जान परफेक्ट ना हो तो हम टेगुक सेकेंड टू जान के लिए प्रिपेयर नहीं करते। तो जो मैंने आपको बेसिक मूवमेंट बताई आपको अभी, तो उसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि अभी हम सिर्फ टेगुक वन जान करेंगे। तो सबसे पहले जब भी आप उनसे के लिए आपको रेडी होना है, अटेंशन, छरियत, क्यों ने जुमे देखो, वन जान वन two, okay, turn right, one, two, forward stance, one, now two, one, two, one, forward, two, one, two, one, two, one, two, yeah! Row. Shouting जो है बहुत important है, जो हमारा pattern है, अगर हम shout miss करते हैं तो हमें हमारे जो point हैं वो deduct किए जाएंगे। तो पुंसे करने के लिए आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है आपका बेसिक
जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप कंटिन्यू नहीं कर सकते पुंस आगे। तो सबसे पहले आप अपना जो बेसिक्स मैंने आपको बताया, जो बेसिक्स इससे पहले बताया, उसी बेसिक को आपको माइंड में रखना है और उसके हिसाब से पुंस करना है। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आपको फास्ट करना है, जैसे मैंने किया काउंट स्लोली स्लोली आपको करना है। और फिर उसके बाद एक फ्लो में एक बार दोबारा मैं आपको बताऊँगा। Sure.